कितना स्टूडेंट है। अगर आप कक्षा 12 के स्टूडेंट है तो ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले दोस्तों। आज का बड़ा टॉपिक क्या है, रसायन विज्ञान मतलब केमिस्ट्री। भाई अगर आप इन 5 नियमों को तैयार करके जाते हो ना तो भाई अच्छे से अच्छे परसेंटेज आप इंक्रीज करोगे। भाई वो कौन नियम है, अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ जरूर लेना, अगर अभी तक आपको नहीं आता तो याद कर लेना, अगर आपको आता है तो भाई याद जरूर कर लेना। आखिर वो है कौन से नियम, आइए चल करके देखते हैं। आंसर प्रूफ सब कुछ बताऊंगा उत्तर सहित। तो भाई अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं हमेशा इंपॉर्टेंट वीडियो डालता रहता हूं, बाकी कुछ नहीं। अब तो तय है कि ये क्वेश्चन हर बार पूछा गया है। अब तो तय है, अगर आप पढ़ने वाले छात्र हैं तो आप समझ गए होंगे दोस्तों। तो पहला नंबर क्या है, कोलराउस के नियम, ये गारंटी है, अगर आप भूल जाते हो ना तो याद करा के आज रहूंगा। तो वीडियो को पूरा देखना है अंत तक, बस गारंटी रहेगा भाई याद करा के, मतलब ऐसा ऐसा आंसर बताऊंगा ट्रिक के साथ आपको याद कराऊंगा। दूसरा नंबर क्या है, हेनरी के नियम दोस्तों, जैसा कि ये भी इंपॉर्टेंट है। नंबर क्या लिखा दोस्तों, जैसा कि हेनरी का नियम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात की जाए तीसरा नंबर क्या है, राउल्ट का नियम। भाई आपको राउल्ट नियम याद करते हो भूल जाते हो, लेकिन आपको हम ऐसा याद कराएंगे तो आप नहीं भूलोगे। तो करना क्या है, वीडियो को पूरा देखना। अगर राउल्ट के नियम यही भी याद किया है ना, राउल्ट के नियम अगर आप याद नहीं किया ना तो याद जरूर कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जरूर जाते हैं मेरे दोस्तों। अब हम बात करते हैं चौथा नंबर क्या है, हार्डी सुलझे का नियम, जैसा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। पांचवा नंबर तो टिंडर का प्रभाव, अगर आपके सिलेबस में नहीं है टिंडर का प्रभाव हार्डी सुलझे तो आपको नहीं याद करना है, चिंता लेने की जरूरत नहीं। हाँ लेकिन आपके सिलेबस में ये तो जरूर होगा कि कोलराउस के नियम, राउल्ट के नियम, हेनरी के नियम, अगर आपका है तो याद कर लीजिए दोस्तों। अगर आपको ये हार्डी सुलझे और टिंडर प्रभाव नहीं है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं याद करना, लेकिन कई कई जगहों पर इस सिलेबस में दिया गया है तो उन सिलेबस वाले तैयार कर लेना, जिन जगहों से आप हैं उन सिलेबस वाले, ठीक। तो भाई इस बात पर चिंता मत करिए कि हमारे सिलेबस में नहीं है, हमको पढ़ाया जा रहा है, हम याद करें कि ना करें, ये बात तो आपका सिलेबस बताता ना। अगर आपके सिलेबस में नहीं है तो भाई मत याद कीजिए, लेकिन इसमें से कोई ना कुछ तो होगा जो है, तो उसको आप देखिए शॉर्टकट तरीके से बताऊंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर हम बात करते हैं पहले नंबर के लिए क्या है, कोलराउस का नियम, तो भाई आपको याद कैसे करना है ये आपको देखना है, ठीक। मतलब आसान तरीके से कम समय में याद हो जाएगा। पर क्या है, आपको क्या लिखा है, अनंत तनुता पर किसी विद्युत अवघट की मोलर चालकता, उसमें उपस्थित धनायन या ऋणायन अनंत तनुता के मोलर चालकता के योगफल के बराबर होता है। बस आपका ये सूत्र है दोस्तों, ठीक। बात की जाए कि n प्लस क्या है, तो धनायनों की संख्या, संख्या मतलब नंबर n, और धनायन मतलब प्लस धनायनों की संख्या, n माइनस आपका क्या है, ऋणायनों की संख्या। बात की जाए इनके अनुप्रयोग, केवल आपको दो अनुप्रयोग याद करना है, ज्यादा नहीं। तो क्या दोस्तों, पहला नंबर अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अवघट की मोलर चालकता, दूसरा नंबर क्या है, दुर्बल विद्युत अवघटों के वियोजन की मात्रा की गणना। बस आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं, केवल आपको दो अनुप्रयोग याद करना है। एक बार फिर से देखते हैं क्या लिखा है, अनंत तनुता पर किसी विद्युत अवघट की मोलर चालकता, उसमें उपस्थित धनायन या ऋणायन अनंत तनुता के मोलर चालकता के योगफल के बराबर होता है। जैसा कि यह सूत्र रहा, ये धनायनों संख्या, ऋणायनों संख्या, अनुप्रयोग रहा। भाई इसे आप 2 से 4 बार, ज्यादा नहीं, आपको 3 से 4 बार पढ़ना है, मैं गारंटी वादा के साथ कह सकता हूं आज आपको याद इसी वक्त हो जाएगा। भाई इसी तरीके से इंपॉर्टेंट वीडियो पाने रहने के लिए करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब हम बात करते हैं दूसरा नंबर क्या है, जैसा कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि दोस्तों अब हम बात करते हैं दूसरा नियम क्या है, भाई दूसरा नियम आपको तभी याद कर लेना। दूसरा नंबर क्या रहेगा दोस्तों, हेनरी का नियम, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। भाई हेनरी के नियम तो इंपॉर्टेंट है ही है। क्या लिखा, कैसे याद करना है, शॉर्टकट तरीके में क्या लिखा, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य में विलयता गैस के दाब के समानुपाती होती है, ठीक। फिर से पढ़ लेते हैं क्या लिखा है, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य में विलयता गैस के दाब के समानुपाती होती है, इसे हम कहते हैं हेनरी के नियम कहते हैं दोस्तों। तो क्या लिखा है, एम क्रमानुपाती पी के, अगर ये चिन्ह जैसे हटेगा तो यहाँ पे लग जाएगा के एच लग जाएगा, ठीक, इंटू पी हो जाएगा। जहां क्या दोस्तों, एम बराबर क्या हो जाएगा, घुली हुई गैस की मात्रा है, पी आपका क्या है, गैस का दाब है, के एच क्या है, हेनरी नियतांक है, ठीक। अब इतना आपका क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं इनके अनुप्रयोग, है ना। तो अनुप्रयोग दोस्तों आपको 3 याद करना है छोटा। पहला नंबर क्या है, गोताखोर द्वारा,
दूसरा नंबर क्या है शीतल पेय पदार्थ, तीसरा नंबर क्या है फेफड़ों की क्रिया विधि। भाई आप इसे 2 से 3 बार 4 बार ज्यादा नहीं 3 बार पढ़ो बस नियम को, 3 बार इसको आप 3 बार पढ़ते हो ना तो आपको गारंटी वादा के साथ करता हूं आपको याद हो जाएगा, अगर आपके सिलेबस में है तब। भाई अगर आपके सिलेबस में नहीं है तो इसको नहीं याद करना क्योंकि आप किस बोर्ड से हो मुझे नहीं पता। भाई ये बात तो तय है कि ये इंपॉर्टेंट है अगर आपके सिलेबस में होगा तो। ठीक, तो अब हम बात करते हैं तीसरा नंबर, जैसा कि ये बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। भाई क्या लिखा है राउल्ट का नियम, अगर अगर अभी तक आपने नहीं याद किया ना तो तुरंत इसी वक्त याद कर लेना दोस्तों, किस तरीके से क्या लिखा हुआ है दिखते हैं। राउल्ट के नियम क्या लिखा है दोस्तों, किसी निश्चित ताप पर द्रव द्रव बिलयन में उपस्थित किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मूल प्रवाह के समानुपाती होता है, उन्हें राउल्ट का नियम कहते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं, किसी निश्चित ताप पर द्रव द्रव बिलयन में उपस्थित किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मूल प्रवाह के समानुपाती होता है, उन्हें हम राउल्ट का नियम कहते हैं। P बराबर P नॉट A n A करो चाहे x A करो बात एक ही है। तो क्या लिखा है P बराबर P नॉट A n A प्लस P नॉट B n B ब्रैकेट आपका क्लोज, मतलब ये राउल्ट नियम का सूत्र था। आपको इस तरीके से लिखना है तो नंबर ज्यादा मिलेगा, ठीक, और कोई बात नहीं। अब यहाँ लिखते हैं राउल्ट के नियम के सीमाएं आपको लिखना है, ज्यादा सीमाएं लिखने की जरूरत नहीं, आपको केवल 2 सीमाएं लिखना है, वो सीमाएं लिखना है जो पॉपुलर, तो ये ऐसे सीमाएं है, अगर ये लिखते हो ना इस तरीके सीमाएं तो बंदा वो समझ जाएगा चेक करने वाला कि ये तो यार सही है इसका सारा चीजें, ठीक, सीमाएं से पता भी चल जाता है बंदा सही लिखा है तो क्या है और जल्दी याद भी हो जाएगा। पहला नंबर क्या है, यह नियम केवल अति तनि बिलयनों पर कार्य करता है, यह नियम केवल अति तनु बिलयनों पर कार्य करता है, बात करें। दूसरा नंबर क्या है, एनटीपी पर दोनों घटक अवाष्पशील होना चाहिए। कई बात कि सर एनटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मेरे भाई नेचुरल टेम्परेचर प्रेशर, जिसे आप हिंदी में क्या बोलते हो सामान्य ताप दाब, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं नेचुरल टेम्परेचर प्रेशर, ठीक, हिंदी में क्या बोलते हैं सामान्य ताप दाब, जैसा कि आप हमारा कहना समझ गए होंगे। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लेते हैं दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसी तरीके से इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वीडियो पाने रहने के लिए करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अब हम बात करते हैं चौथा नंबर, जैसा कि वो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बात करते हैं दोस्तों चौथा नंबर क्या है, जैसा कि ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आपके सिलेबस में होगा तो। भाई क्या लिखा है, हार्डी सुलझे का नियम, जैसा कि ये इंपॉर्टेंट तो है, किसी प्रभावी आयन की संयोजकता जितना ज्यादा होगा उसकी स्कंदन क्षमता उतनी अधिक होगी, इन्हें हम क्या कहते हैं हार्डी सुलझे का नियम कहते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं, आयन की संयोजकता जितना ज्यादा होगा उसकी स्कंदन क्षमता उतनी अधिक होगी, इन्हें हम क्या कहते हैं हार्डी सुलझे का नियम कहते हैं। बस आपको इतना करना है ज्यादा नहीं। अब बात करते हैं पहला नंबर, इसमें लिखना पहला नंबर लिखना क्या है, धनावेशित बिलयन की उपस्थिति में ऋणायन की स्कंदन क्षमता, क्रम लिखा है, ठीक, क्या है दोस्तों एफिशिएंट 6 फिर पावर कितना है 4 माइनस के, फिर क्या लिखना है फिर है ना पी पावर पी ओ घात 3 है ना पी ओ 4 घात 3 फिर माइनस सी एस ओ 4 डबल नेगेटिव फिर सी एल 1 नेगेटिव, ये क्या दोस्तों इसे बोलते हैं फेरस साइनाइड, इसे क्या बोलते हैं फास्फेट, इसे क्या बोलते हैं सल्फेट, इसे क्या बोलते हैं क्लोरीन, अगर आपको केमिस्ट्री भाई इतना तो पता ही होगा। अब हम बात करते हैं दूसरा नंबर क्या लिखा है, ऋणावेशित बिलयन की उपस्थिति में धनायन की स्कंदन क्षमता, तो भाई आपको करना क्या है Al है ना Al की घात 3 पॉजिटिव है ना फिर Ba डबल पॉजिटिव फिर Na 1 पॉजिटिव, बस इतना करना है, कुछ ज्यादा करने की जरूरत इसमें नहीं है। आपका 5 नंबर यही पक्का हो जाएगा अगर आपके सिलेबस में है भाई हार्डेस उलझे तो, नहीं है तो बात खत्म। अब हम बात करते हैं केवल लास्ट 5वें नंबर की, बात करते हैं दोस्तों 5वां नंबर क्या है, ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भाई क्या लिखा है, तो क्या लिखा है दोस्तों टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं, क्या समझते हैं बताइए, ठीक, जैसा कि 5 या 4 नंबर में पूछा जरूर जाएगा या चाहे 3 ही नंबर में पूछा जाएगा, लेकिन हाँ पूछा जरूर जाएगा, ठीक, अगर आपके सिलेबस में है तो। भाई क्या लिखा है, टिंडल ने यह पाया कि अगर प्रकाश के प्रबल पुंज को अंधेरे स्थान में रखकर गुजारा जाए तो उस पुंज का रास्ता प्रकाशित होने लगता है, इन्हें टिंडल प्रभाव कहलाता है, ऐसा कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा होता है। भाई एक बार फिर से देख लेते हैं क्या लिखा है, टिंडल ने यह पाया कि अगर प्रकाश के प्रबल पुंज को अंधेरे स्थान में रखकर गुजारा जाए तो उस पुंज का रास्ता प्रकाशित होने लगता है, यह घटना टिंडल प्रभाव कहलाता है, फिर ऐसा कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा होता है ना, इसी हम इसको ही हम क्या कहते हैं टिंडल प्रभाव की घटना कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं टिंडल प्रभाव कहते हैं।
आपको इच्छित बना देना है, यहाँ पे लिखना है प्रबल पुंज, यहाँ भी जो शंकु गया ना, ये शंकु क्या है, टिंडर प्रदीप शंकु है, यहाँ पेंसिल से आपको सेट कर देना, ठीक। बस इतना कर देते हो तो 3 या 4 नंबर आपके हाथ में तुरंत मिल जाएगा। अब भाई अगर अब आपको किसी भी विषय पर दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आशा करते हैं हम लोग वीडियो देख करके समझ गए, अगर समझ गए हैं तो प्लीज लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं हमेशा ऐसी वीडियो डालता रहता हूँ। तो कल मिलते हैं शाम 6 बजे। जय हिंद दोस्तों।